स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अती। एक बार फिर मैं लेके आ गया हूं दास्तान इश्क। सो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज जिस दास्तान के बारे में बात करने वाले हैं, यूँ तो उनकी कई दास्तान आपने सुनी होंगी, लेकिन ये एक ऐसी दास्तान है जिस पर अभी तक कोई क्लैरिटी इस पर नहीं मिली है। हम बात कर रहे हैं द ब्यूटी रेखा की। जी हाँ, रेखा और हमारे संजू बाबा संजय दत्त के अफसाने के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। रेखा और कंट्रोवर्सीज का चोली दामन का साथ रहा है। रेखा और कंट्रोवर्सीज हमेशा एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहे हैं, फिर चाहे रेखा का वो अफेयर हो बिग बी के साथ, या फिर उनकी शादी, या फिर विनोद मेहरा के साथ उनका अफेयर। उनके अफेयर ने, उनके प्यार के किस्सों ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। और ऐसा ही एक अफसाना, ऐसा ही एक प्यार इनका था संजय दत्त के साथ। संजय दत्त यूँ तो कई साल उम्र में रेखा से छोटे थे, लेकिन रेखा की ब्यूटी के आगे वो भी अपना दिल रेखा को दे बैठे। वेल, संजय दत्त क्योंकि सुनील दत्त के बेटे हैं, वो एक स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं। सुनील दत्त को रेखा और संजय दत्त के रिलेशनशिप से कतई मंजूर नहीं था, लेकिन प्यार किसी के आगे रुकता कहाँ है, इसलिए रेखा और संजय दत्त का प्यार रुका नहीं, बल्कि वक्त के साथ इतना आगे बढ़ गया कि उसके लिए सुनील दत्त को एक ठोस कदम उठाना पड़ा। वो कदम क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले रेखा और संजय दत्त की मुलाकात हुई जमीन आसमान के सेट पर। वेल, जमीन आसमान नाम की एक और फिल्म है जिसमें रेखा ने संजय दत्त के फादर सुनील दत्त के साथ सेम टाइटल मूवी में काम कर चुके हैं। ये फिल्म आई थी सन 1972 में, जो कि संजय दत्त के साथ जो फिल्म की थी वो फिल्म आई थी 1984 में। वेल, इस फिल्म में रेखा संजय दत्त की माँ का किरदार निभा रही हैं, लेकिन संजय रेखा के प्यार में इस कदर पागल हो चुके थे कि उन्होंने अपने और रेखा के बीच जो एक गैप होता है उससे भी नज़रअंदाज कर दिया। और यही कारण था कि रेखा और संजय दत्त दोनों ने भागकर शादी कर दी। हालांकि इस बात को मीडिया के सामने कभी आने नहीं दिया, लेकिन रेखा पर जब एक बुक लिखी गई तो इस बुक के राइटर यासिर ने इस बात का जिक्र किया कि जब रेखा और संजय दत्त फिल्मों में काम कर रहे थे तो उनके अफेयर की खबरें खूब आईं। तो यहां तक इन खबरों में ये खबर थी कि इन दोनों ने चोरी चोरी चुपके चुपके शादी कर ली। लोग तो ये भी कहते थे कि रेखा जो सिंदूर लगाती हैं वो संजय दत्त के नाम का है। हालांकि इतना हंगामा होने के बाद मीडिया के सामने खुद संजय दत्त को आना पड़ा और इस बात को खारिज करना पड़ा। कि अब हम आपको ये बताते हैं कि इन सारी अफवाहों को सुनकर सुनील दत्त ने क्या कहा। जब ऐसी खबरें सामने आने लग गईं कि रेखा और संजय दत्त ने शादी कर ली है, और लोगों का तो ये भी कहना था कि ये शहर से गायब भी हो गए हैं, ऐसे में सुनील दत्त ने संजय दत्त को ढूंढ निकाला और तुरंत ऋचा से शादी कर दी। यही कारण है कि संजय ने बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी। जहां पर संजय दत्त ने मीडिया में आकर अपने रिलेशनशिप को खारिज किया, और वहीं दूसरी ओर रेखा ने अपने रिलेशनशिप पर चुप्पी साधी। लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में रेखा ने ये भी कहा, मैं अमिताभ बच्चन को जलाने के लिए संजय दत्त के साथ प्यार का नाटक किया था। वेल, ये प्यार ऐसा ही होता है, अगर मुकम्मल हो जाए तो इससे खूबसूरत कुछ नहीं, और अगर मुकम्मल ना हो तो हम बस वजह बताते हैं कि हमारा प्यार मुकम्मल क्यों नहीं हो पाया। खैर, ऐसे ही स्टोरी के साथ हम फिर मिलेंगे हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।